नमस्कार बच्चों, श्री अक्षय कन्या पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको VA थर्ड ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में सहभागी अवलोकन पढ़ाएंगे बच्चों, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों, जानते हैं कि सहभागी अवलोकन क्या होता है। बच्चों, जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप, इस टॉपिक में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी अवलोकन। ठीक है बेटा, तो सामान्य अर्थ जान लेते हैं अवलोकन का मतलब क्या होता है। सहभागी अवलोकन बच्चों प्राथमिक तथ्यों की संकलन की एक प्रविधि है। जैसे बच्चों, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं या कोई सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो हमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बच्चों, जो हमारा सामाजिक अनुसंधान होता है वो दो तरीके से होता है, एक प्राथमिक तथ्यों पर आधारित, एक द्वितीय तथ्यों के आधार पर। जब हम बात प्राथमिक तथ्यों की करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उन करीब से चीज़ों को समझने का प्रयास करें, डोर टू डोर। जैसे कि बच्चों, तुमने देखा हो, जब जनगणना का काम होता है या कोई सर्वे का काम होता है तो व्यक्ति घर घर आ जाकर जानकारी कलेक्ट करता है। इस तरह का जो तरीका है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है। यह अनियंत्रित अवलोकन का प्रकार है। अवलोकन दो तरह का होता है बेटा, एक तो नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है। इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे आपको, जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का ही एक अंग बनकर प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा, ये तो रही हमारा सामान्य अर्थ सहभागी अवलोकन। अब बात करते हैं हम अनियंत्रित और नियंत्रित अवलोकन क्या होता है। तुमने देखा है, जब कोई शिक्षक क्लास को पढ़ा रहा है तो वो कैसा अवलोकन है? नियंत्रित अवलोकन है। बच्चे ध्यान से उनका जो काम है वो कर रहे हैं। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे कि बच्चों आजकल परीक्षा चल रही है, एग्ज़ाम चल रही है, BA की, BSc जो भी, MA की। तुमने देखा हो, जब वीक्षक होता है उसके सामने बच्चे मतलब नियंत्रित होते हैं, बिल्कुल नियंत्रित से अपना काम करते रहते हैं। और इस तरह का जो अवलोकन है तो कैसा हो गया बच्चों? ये नियंत्रित हो गया। अनियंत्रित की बात करते हैं तो कोई उसमें देख नहीं रहा। जैसे कि अगर ऐसे बोल दिया जाए कि बेटा, बिना टीचर के जो वहाँ वीक्षक लगा है, बिना वीक्षक के क्या है, आपको क्या करना है, पेपर देना है, तो वहाँ पर क्या है, जो उनका जो बच्चों का व्यवहार होगा, स्टूडेंट का व्यवहार होगा, वो अनियंत्रित हो सकता है। वो तो ये सोच लेगा, सर तो है नहीं क्लास में, आराम से चीटिंग करो इधर उधर। देखो, ये जैसे कि भीड़ का व्यवहार कैसा है, अनियंत्रित ही तो होता है। कोई जिसको जी चाह रहा है वो कर रहा है, चाहे आप मेले में देख लो, जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर हम बात करें जैसे कि, कैसे बताएं आपको, जैसे कि कोई अधिकारी आ रहा है, मीटिंग ले रहा है, तो वो भी नियंत्रित ही होता है अवलोकन। तो आप समझ गए होंगे, उसी में होता है एक सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का मतलब है, जैसे कि हम क्लास में आए, हमने आपसे पूछा कुछ भी, यानी मान लो आज हम ये टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पूछें बच्चों आपको समझ में आ रहा है, आप कोई जब रेस्पॉन्स नहीं दें तो इसका मतलब है आप इसमें शामिल नहीं हो। और आप जब ऐसे कहो कि सर हमें समझ आ रहा है ये तरीका, सर ये और समझा दो, ये कहने का मतलब है आप क्रिया प्रतिक्रिया हो, आपका सहयोग हो उसमें, वो सहभागी अवलोकन होता है। जैसे कि मान लो कि NSS का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें क्या है, हमारी टीम है और अधिकारी लोग हैं जो भी NSS प्रभारी वगैरह हैं, तो उसमें क्या है सहभागी अवलोकन, इसलिए कि आप सभी बच्चे अपना अपना काम करो। किसी को सफाई का काम सौंपा गया, वो सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह से इसको बोलते हैं बेटा सहभागी अवलोकन। कहने का मतलब है उसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है, जो अनुसंधान कर रहा है उसका तो इन्वॉल्वमेंट है ही है, साथ में जिस पर किया जा रहा है वो भी है। जैसे कि मान लो तुमने देखा हो, कभी कभार तुम CID वगैरह देखते हो, या जैसे कि कोई जांच हो रही हो, कोई पुलिस की टीम आई हुई हो, तो क्या है वो क्या करती है, उस अपराधी को ले जाती है और जगह जगह पर जहाँ पे जो घटना हुई है उस पर जाके उसको पूछती है कि ऐसे हुआ ऐसे, मतलब जो सीन होता है उसको रिक्रिएट करती है। तो क्या है, वहाँ पर कई दिन तक वो उनके साथ रहती है, तभी तो पता लगता है कि आखिर क्या है। या ये जो गुप्तचर होते हैं, जो खुफिया विभाग तंत्र होता है, इसमें भी सहभागी अवलोकन होता है कि नहीं। इस तरह से ये है। और आइए बच्चों, अब
इसकी परिभाषा जान लेते हैं सहभागी अवलोकन की। PBM, ये आपका नाम जाना है, आपने इसके बारे में सुना है। तो इनके अनुसार क्या है बच्चों, सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। कहने का मतलब है, जिस पर अध्ययन कर रहा है उसको भी रहना है और जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको भी रहना है। मतलब रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता और जो साक्षा जो जिसका मतलब जो जो कंपोनेंट जो वो हैं व्यक्ति हैं जिनसे हमें जानकारी जुटानी है, तो उनके साथ रह के हमें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, है कि नहीं। ये तो रही ये बात। अब इसके कुछ मेरिट जान लेते हैं, गुण जान लेते हैं कि गुण जान लेते हैं कि क्या क्या है सहभागी अवलोकन के गुण हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। सहभागी अवलोकन के कुछ गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको जान लेते हैं। इसमें क्या है कुछ, यानी ठीक है बेटा, क्वालिटी। तो नंबर वन, इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। कहने का मतलब है, जिस समस्या को लेकर, चाहे वो समस्या कोई हो, स्वच्छता हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, या गंदी बस्ती हो, कुछ भी हो, जिस पर अध्ययन किया जा रहा है वो प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। कैसे होता है कि हम वहाँ जाकर उस फील्ड में जाके अध्ययन करते हैं। जबकि बेटा जब हम द्वितीय आंकड़े जुटाते हैं तब ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, कोई पत्रिका ले ली हमने, कोई सी पत्रिका हो सकती है, या किसी ने उस टॉपिक पर अध्ययन किया हो वहाँ के आंकड़े ले लिए, या किसी वेबसाइट पर जाके हमने आंकड़े ले लिए। जैसे जनगणना के आंकड़े हमने किसी बुक से उठा लिए कि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर लिंग अनुपात ज़्यादा है, वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। लेकिन जब सहभागी अवलोकन होता है तो क्या है, प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब आमने सामने या उस क्षेत्र में जाकर उनसे रियलिटी, जैसे कहते हैं ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब है वहाँ वो व्यक्ति गया है, उसने उस हालात का जायज़ा लिया है और वो सारी चीज़ें, जैसे कि बच्चों अभी जैसे एक हाथरस में हुआ है गैंगरेप वगैरह, उसके बारे में आजकल तुम टीवी पर देख रहे हो। तो क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब होता है वहाँ जाकर पूरी जानकारी लेना कि ये घटना हुई और इस वजह से हुई है, इसके ये रीज़न है, ये सारी चीज़। इनका मतलब जो सहभागी अवलोकन है वो प्रत्यक्ष अध्ययन पर आधारित है। दूसरा क्या है, ये सरल अध्ययन है। सरल अध्ययन से मतलब है कि इसमें क्या है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, कहते ना SIT गठित कर दी कि CBI से जांच होगी, ये वगैरह कुछ समूह लोगों का ग्रुप होता है, ये हो गया। तीसरे में क्या है, इसमें स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति का हमें करना है अध्ययन, उसका हमें बिल्कुल एक्चुअल चीज़ पता लग जाती है। कहते हैं कभी कभी हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो उस सुनी सुनाई बातों में क्या है बेटा, जो बातचीत है, जो व्यवहार है, वो उसमें क्या है, दोष त्रुटि भी हो सकती है। जब हम आमने सामने खुद करेंगे तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है। जैसे कि हम तुम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, फिर हम तुमसे सवाल जवाब करते हैं, तो सवाल जवाब का मतलब है आप हमें जवाब देते तो हम आंकड़ा लगा लेते हैं कि हाँ आज तो बच्चे पढ़ के आए हैं। जब आप जवाब नहीं देते तो हमें लगता है कि आपकी तैयारी में कमी है। तो इस तरह से क्या है, जो हमारा तो आपका जिस व्यक्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं या जिस सोसाइटी का, जिस समूह का अध्ययन कर रहे हैं, जिस समस्या को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उसकी क्या है, हमें सच्चाई पता लग जाती है कि मतलब जो उसका जो रियल बिहेवियर क्या है। जैसे किसी अपराधी को उसकी सच्चाई पता करनी हो तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको, हमें रियलिटी तक पहुँचना है, मतलब जमीनी स्तर। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें क्या होता है, सूक्ष्म और गहन अध्ययन होता है। ये सूक्ष्म व गहन अध्ययन, जिस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं वो उसका पूरा बारीकी से जांच की जाती है, इसलिए सहभागी अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक बात पता की जाती है कि ये घटना हुई, ऐसे कि मान लो कोई सुसाइड वाला ही केस लगा, आजकल क्या है किसान आत्महत्या कर रहे हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो इस पर अगर रिसर्च की जाए तो महाराष्ट्र के किसानों के साथ साथ उस रिसर्चकर्ता को रहना पड़ेगा और उसकी जो गतिविधियाँ हैं, आखिर ऐसी कौन से रीज़न हैं इस वजह से वो आत्महत्या कर रहा है, ये सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी, तभी तो पता लगेगा।
और केवल हम सिर्फ अखबार में पढ़ ली, टीवी में देख ली, ऐसे तो हमें नहीं पता लगा पाएंगे कि आखिर उनके वजह क्या है, जब तक उस पर कोई रिसर्च नहीं होगी। ठीक है, तो सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन, जैसे कि हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं, दोस्ती हो जाती है, लेकिन हम उसको समझने में तो टाइम लेते हैं ना, वैसे ही है, किसी व्यक्ति को सही एवं गलत समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। हो सकता है वो गलत वाला लक्षण अभी प्रतीत ही नहीं कर रहा तुम्हारे सामने, उस तरह से पेश ही नहीं आ रहा है, ये बात। आगे अगर एक और पॉइंट देखें इसमें, तो वो है विस्तृत सूचनाएं प्राप्त। ऐसे अध्ययन का सहभागी अवलोकन से क्या होता है, हम एक चीज़ खोजने लगते निकलते हैं और हमें बहुत सारी उससे जुड़ी हुई सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, जो हमारे रिसर्च के लिए उपयोगी होती हैं, है कि नहीं? और तुमने देखा होगा बच्चों, तुम याद करते हो किसी चीज़ को, बहुत समय लगता है, और आपको एक टीवी या कोई सीरियल पूछ लो तो सारी एक एक बात बता दोगे। क्यों? क्योंकि मतलब आपने उसका बड़ी गहनता से अध्ययन किया है, उसमें मन लगा के किया है कोई काम। कोई मूवी पूछ लो, कोई गाना पूछ लो, हाल बता दोगे इस वाली फिल्म का है। लेकिन आपको अगर हम पढ़ाई की बात पूछें तो कोशिश करोगे, अगर वास्तव में तुमने पढ़ाई की है तो आप अच्छे से बता भी दोगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और नहीं करोगे तो क्या है, सर पढ़ाओ तो है पर ये कौन सी यूनिट में, ये नहीं समझ में आ रहा, ये कभी कभार हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आगे दो तीन पॉइंट और हैं बच्चों, फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अधिक विश्वसनीयता, कहने का मतलब है इस तरह के जो अनुसंधान से जो हमें आंकड़े मिलने वाले हैं वो बेटा बहुत विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि हमने क्या है, खुद जाके हमने डेटाज को कलेक्ट किया है, ये नहीं किसी की सुनी सुनाई किसी की किताब में। कभी कभार किताबों में जो आंकड़े होते हैं वो अविश्वसनीय भी होते हैं, क्योंकि ये नहीं उसमें रहता है कि उसमें जो आंकड़े का जो स्रोत उन्होंने लिया है वो वास्तव में ऑथेंटिक से लिया है कि ऐसे ही कहीं से कट कॉपी पेस्ट मार दिया है। विश्वसनीयता, तो अगर हम सहभागी अवलोकन के माध्यम से उस जगह पर जाके उस फील्ड में उस तरह के लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या है, हमें पूरी सच्चाई सामने आ जाती है कि वास्तव में इस घटना के पीछे ये वजह थी। ठीक है, तो ये हो गया, अधिक विश्वसनीयता रहती है इसमें। और बिल्कुल सही बात है, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, चाहे जैसे कि बच्चों इंटरव्यू वगैरह होते हैं, इंटरव्यू में क्या है, सारी चीज़ें सब हकीकत सामने आ जाती है कि नहीं? तो ये हो गया। और इसमें एक अगला पॉइंट है, वो क्या है, कुशलता का विकास। कुशलता का विकास, इसमें क्या है, जो अनुसंधानकर्ता होता है वो क्या है, जब ऐसे तरह के कई सारे रिसर्च करता रहता है तो उसके जो काम करने के रिसर्च में क्वालिटी लाने वाले जो गुण हैं वो विकसित हो जाता है। बच्चों एक काम है, हम आज कर रहे हैं, दो मतलब सालों से जब कोई काम बार बार कर रहे हैं और उसमें तल्लीनता से कर रहे हैं तो एक दिन क्या है उसमें क्वालिटी आ जाती है, फिर हमें क्या है हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है और हमारा जो जो परिणाम होता है वो भी होता बहुत ऑथेंटिक आता है। जैसे कि मान लो अगर न्यूज़ है, न्यूज़ की बात करें, हम न्यूज़ सुनते हैं देखते हैं टीवी पे, तो हम फिर ऐसा क्यों मानते हैं कि हम उस वाले चैनल पे अगर न्यूज़ हम सुनेंगे तो हमें वो चैनल की न्यूज़ बहुत ही सटीक लगती है, तो ऐसा कैसे है? क्योंकि उनके जो एम्प्लॉई हैं काम करने वाले वो बहुत ही कुशलतापूर्वक काम को करते हैं। ये हो गया, ऐसे लिखना है आपको। संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन, हाँ ये इतना ज़रूर है, जबकि बच्चों अभी बताएंगे इसके बारे में। संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन, ये तभी संभव है जब हम उन लोगों के बीच में जाएं जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके बीच में जाएंगे तभी तो पता लगेगा। संवेगात्मक का मतलब है उन्हें कष्ट हुआ है, आखिर वो कौन सी पीड़ा से जी रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी खुशहाल कट रही है, क्या है उनके मतलब, किसी भी टॉपिक को ले लो आप, किसी भी एक टॉपिक को ले लो, तो संवेगात्मक स्थिति तो जब ही पता लगेगी जब हम उनके करीब जाकर अध्ययन करेंगे, मतलब उनसे जुड़ाव करके। तुमने देखा है आजकल की, एक एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, आजकल की जो संतान है उनको उनके मम्मी पापा समझ नहीं पाते, जब वो किसी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जो कि जिसके बारे में वो कल्पना नहीं कर सकते, तो उनको तो कहते हैं वो हम खुद माँ बाप होते हुए भी अपनी संतान को नहीं समझ पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो संवेगात्मक स्थिति है उनको उनकी जो जीवन की जो बिजी शेड्यूल है उसके दौरान उनमें उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला, कभी अपने बच्चों को समझने की कोशिश करते, तो ये सारा चीज़ क्या है बड़ा दिक्कत करती है।
तो इस तरह से क्या है, आपको मैंने सहभागी अवलोकन के बारे में बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मेरी कोशिश रही कि आपको शायद अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका निश्चित रूप से लाभ उठाएं। लेकिन मैं फिर वो कहता हूँ, इस बात को आप और डीपली पढ़ने के लिए क्या है, किताब का सहारा ज़रूर लीजिए बेटा, अन्यथा आप इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि सारी चीज़ें हम अपने स्तर से अगर करते रहेंगे तो, क्योंकि मतलब पढ़ शिक्षा क्या होती है, ये दो आगामी क्रिया होती है, दो पोल होते हैं इसके, एक हम एक आप। आपको भी मेहनत करनी है और हमें भी कोशिश करनी है। हम सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं चीज़ों को, डीपली आपको समझना होगा जिससे कि आप और ज़्यादा अच्छा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।